मध्य प्रदेश के स्कूलों के अंशकालीन भृत और लिपिक अस्थायी कर्मी सम्मानजनक मानदेय दिए जाने को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। राजधानी भोपाल में अंशकालीन कर्मचारी अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें रोका तो वह सड़क किनारे ही बैठ गए। प्रदेश के दूर दराज के इलाकों से पहुंचे यह कर्मचारी मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन सीएम हाउस के अधिकारियों ने इन्हें आवास क्षेत्र से बाहर कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनका शोषण कर रही है। हम सर हमारे साथी हम सब लोग शिक्षा विभाग में अंशकालीन भृत अंशकालीन लिपिक पद पर लगभग 1997-98 से सेवाएं देते आ रहे हैं। लगभग 20-25 सालों से हमारे साथी विभिन्न स्कूलों में अपने कर्तव्य निष्ठा पूर्वक सेवाएं देते आ रहे हैं। शिक्षा कर्मी योजना के तहत भर्ती हुए थे, शिक्षा कर्मियों को 500 से 50,000 80,000 तक मानदेय कर दिया गया है, वेतन बढ़ा दिया गया है, जबकि हम लोगों को 300 रुपये से बढ़ाते बढ़ाते 25-30 वर्षों में मात्र जो है 5,000 रुपये दिया जा रहा है। 5,000 रुपये में आप भला सोच सकते हैं कि महंगाई के इस दौर में परिवार का भरण पोषण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। गाँव परिवार का भरण पोषण नहीं होगा तो सर हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, हमारी बहनें बेटियां, हमारी 7,00,000 बच्चियां हो चुकी हैं। सरकार से हम लोगों ने लाखों बार आवेदन दिया, मुख्यमंत्री महोदय जी के हाथ में लाखों बार हमारे साथियों ने आवेदन दिए, लेकिन हमारे आवेदनों को कचड़े के डिब्बे में डाल दिया जाता है। सरकार हम छोटे छोटे कर्मचारियों का शोषण कर रही है, हम छोटे कर्मचारियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। निवेदन करना चाहते हैं कि हम छोटे कर्मचारियों के ऊपर सरकार ध्यान दे, चूँकि हम लोग नाम अंशकालीन दे रखा है और हम लोग काम पूरा समय देते हैं। सेवाएँ विद्यालय खुलने से लेकर शाम 5 बजे तक लगभग 8-10 घंटे सेवाएं देते आ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने वर्ष 1994 और 95 में शासकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए नियमित लिपिक और नियमित भृत के स्थान पर अंशकालिक लिपिक और भृत की भर्ती की थी। 300 रुपए प्रति महीने की तनख्वाह पर इन कर्मचारियों ने काम शुरू किया था। शासन ने इन कर्मचारियों को इन वर्षों में मानदेय बढ़ाकर 5,000 कर दिया था, लेकिन लिपिक और भृत के पद पर काम कर रहे यह कर्मचारी स्थायी भर्ती के साथ सम्मानजनक वेतन की मांग कर रहे हैं। लगभग 30,000 कर्मचारी हैं पूरे मध्य प्रदेश में और सरकार छोटे छोटे कर्मचारियों को मात्र 5,000 रुपए हुआ है 25-30 वर्ष में 5,000 दे रहे हैं, केवल 5,000। कलेक्टर रेट जो मिनिमम बेसिस हक बनता है सबका, मिनिमम बेसिस से इधर सरकार कहती है कि मिनिमम बेसिस से कम किसी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन देख रही है सरकार कि हम छोटे कर्मचारियों को मिनिमम बेसिस से भी कम दिया जा रहा है, कलेक्टर रेट भी नहीं दी जा रही, जिसमें हमके बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। मांग पूरी नहीं होती है तो हम छोटे छोटे कर्मचारी हैं, लेकिन हम जो है प्रत्येक गाँव और शहर से लगभग हजारों की संख्या में यहाँ लगभग 4-5 दिन से डेरा डाले हुए हैं। सरकार हमारी सुन ले, नहीं तो हम लोग जो है आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे और हमारे साथी अपने परिवार रिश्तेदार और मिलने जुलने वाले लोग हमसे कहते हैं कि भैया कैसी सरकार है, छोटे कर्मचारियों के ऊपर नहीं सुनती है, कैसे है, कितना शोषण हो रहा है, हम लोग जो है जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान है, क्योंकि पेट भर बच्चन को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, हमारे बच्चों का घर वालों का हमारा पेट नहीं भर रहा है, बेटियाँ शादी के लिए हैं, बुजुर्ग माँ बाप का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, हमारे परिवार की बुरी दशाएं हो चुकी हैं। सरकार से निवेदन है कि हम लोगों के ऊपर ध्यान दे, नहीं तो हम छोटे छोटे कर्मचारी मजबूरन आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। वर्षों से स्कूलों में सेवाएं दे रहे अंशकालीन कर्मचारी बेहद कम तनख्वाह में काम करने को मजबूर हैं। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार इन्हें एक सम्मानजनक मानदेय दे, जिससे यह अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सकें। तमोक नायक के लिए भोपाल से अंकित पचौरी की रिपोर्ट।